क्वेश्चन नंबर 8। एक्स इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू 0.547 बार, इट मीन्स 47 पर बार है, 0.547 बार है। बच्चों हमें पता है पॉइंट के बाद और बार से पहले वाली डिजिट है 5, और इसको हमें क्या करना है, इसको इधर ले जाना है, और वो डिजिट है हमारी 1। तो इसलिए ए जब एक डिजिट होती है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से। तो मल्टीप्लाई बाई 10, हाँ एक्स इक्वल्स टू 0.547 डॉट, फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी रह गई, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अब हमें क्या करना है बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करना है एक्स में, और 10 इंटू में, 10 इंटू 0.547 डॉट। तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा 10x, और यहाँ पर है हमारा 10, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5.47 ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फिर से बच्चों जब हमने इसमें तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी, अब हमें दोबारा चलना है, हमें पता है ना हम टू रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं इसमें, जब हमारे अब देखेंगे हम बार पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, तो 100 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, किससे करेंगे 100 से, किस में इक्वेशन सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन सेकंड को कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है 10x को, यस, और 100 से मल्टीप्लाई करना है हमें इसको 100 इंटू में 5.47 डॉट। तो ये हो जाएगा बेटा कितना 1000x, कितना हो जाएगा 1000x, और ये देखिए यहाँ टू डिजिट है ना, यहाँ पर 10 से 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 47 है ये, इनको 2 डिजिट बाद क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है, तो 5.47 डॉट। ये वही हमारी इक्वेशन थर्ड, अगेन इक्वेशन थर्ड में से क्या करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है, इक्वेशन थर्ड में से हमें इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए बच्चों 1000x माइनस 100x, माइनस 100x और 10x, 10x, यस 10x इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा, देखिए 47 ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 547 में से हमें किसको सेपरेट करना है, 5 को सेपरेट करना है, तो हमें 542 मिल जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, 5.47 में से किसको सेपरेट करना है बेटा, इस वाले को 5.4747 देखिए 1000 में से जब हमें 100x करना है तो हमें सॉरी 10x है बेटा, 10x तो हमें मिलेगा 990x हमें यहाँ से मिलेगा, और देखिए ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, और हमें मिलेगा 542, और x 542 डिवाइड कर देंगे किससे, 990 से। तो देखिए अगेन हमें एक डेसिमल नंबर से रैशनल नंबर ऑब्टेन हुआ, तो ये है हमारा आंसर, इज दैट क्लियर टू यू। आगे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको ध्यान से समझना है।
मोस्टली सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। मोस्टली सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं बेटा, क्योंकि हम इसमें काफ़ी टाइम से लग रहे हैं, अभी से नहीं लग रहे हैं, आपको पता है काफ़ी टाइम हो चुका है इसमें। हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, और आप देख लेना जो क्वेश्चन रह गया हो उसे मैं आपका क्लियर कर दूंगी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th में हम सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। रैशनल नंबर्स को आपको किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। मैं आपको 10 मिनट्स क्लास और दूंगी ओनली। यस, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है ना, छोटे से बड़े की तरफ ले जाना हो, छोटे से बड़ा लिखना हो, बड़े की तरफ लिखना हो, तो वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। जस्ट इसका अपोजिट, बड़े से छोटे की तरफ लिखना हो तो वो होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि अब ये तो हमारा क्वेश्चन बताएगा कि क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हमने लिया, जैसे यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन का हो, रैशनल नंबर का हो क्वेश्चन, और उसे असेंडिंग में लिखना हो, डिसेंडिंग में लिख रहा हो, ग्रेटर बताना हो, रितिक ग्रेटर बताना हो, स्मॉलर बताना हो, और ये सब चीज़ें बतानी हो, तो हमें ये ही मेथड अप्लाई करते हैं बेटा। देखिए कौन सा मेथड अप्लाई करती है, वो है ये। जैसे मैं एक छोटा सा लेती हूँ आपके लिए, देखना 7/3, 1/3, 2/3। तो देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नो टेंशन। यस, ये देखिए बस जो न्यूमरेटर है ना, जो न्यूमरेटर वो 7, 1 और 2 में सबसे छोटा कौन सा है? ये। उसके बाद कौन सा छोटा है? ये। और उसके बाद कौन सा छोटा है? ये। तो इसी ऑर्डर में लिख देंगे। लेकिन अब बात आती है जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट्स हों, अलग अलग हों, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है? उन्हें सॉल्व करने का ये मेथड है हमारे पास, जो कि हम करते हैं बेटा। जब ये अलग अलग हो ना नीचे वाले डिनोमिनेटर, यस, ऊपर वाले को बोलते हैं, मीन्स जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं उसको, हम न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है ना, इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं उसको हम, यस। तो जब अलग अलग डिनोमिनेटर्स हों तो आपको इनका एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। और सबसे पहले हम 2 से लेते हैं इसको, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा नंबर 2 ही है। 2 1 2 और 2 2 4, अगेन हम 2 से देंगे 3 1 1। अब किससे देंगे बेटा? हम 3 से देंगे, कितना हो गया? 1 1 1। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया हमारा 2 2 4 एंड 4 3 12। कितना मिल गया हमें एलसीएम? मिल गया 12। जो हमारा एलसीएम आता है ना, जो हमारा एलसीएम, ध्यान देना है आपको, एलसीएम आया 12। तो 8/3 लिखिए, 9/2 लिखिए। मैं क्या कह रही हूँ, जो ये मेथड है असेंडिंग, डिसेंडिंग, ग्रेटर, स्मॉलर, पुट द साइन, सभी के लिए यूज़ यही वाला मेथड होता है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, एक ही मेथड से आपकी कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, असेंडिंग भी, डिसेंडिंग भी, न्यूमरेट वो ग्रेटर भी, स्मॉलर भी, पुट द साइन भी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही है ना इससे। तो अब आपको ध्यान से सीखना है इसको। तो अब आप देखिए जो 3 है ना, डिनोमिनेटरों को ही देखना है सिर्फ, जो डिनोमिनेटर है 3 है इसका, तो 3 से डिवाइड कीजिए। 3 की टेबल में जल्दी बताओ 12 कितनी बार आता है? जल्दी 4 टाइम। यस, कितने टाइम आता है? 4 टाइम। तो 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी कर देंगे। वेरी गुड, कितना हो गया? 8 4 जा 32। 8 4 जा 32, और ये कितना हो जाएगा? 12 भी। अब देखिए जल्दी 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 6 टाइम आता है। तो कितना हो जाएगा?
9 6 54 और ये कितना हो गया हमारा 2 6 12 यस। अब देखिए बेटा जो 4 है हमारा 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 3 टाइम्स, तो 3 इधर भी और इधर भी, 7 3 21 एंड 4 3 12। अब आप देखेंगे जो ऊपर वाला फ्रैक्शन था ना डिनोमिनेटर सेम का, वही कंडीशन अब यहाँ पर अप्लाई हो गई, सभी के डिनोमिनेटर सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट हम देख लेते हैं ऊपर वाले को, तो सबसे पहले कौन सा छोटा है 21, उसके बाद कौन सा छोटा है 32, उसके बाद सब इनसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा ये था, इससे बड़ा ये था, और इन दोनों से बड़ा है ये वाला 54। तो इट मीन्स 7/4 क्या है हमारा छोटा, इससे बड़ा क्या है हमारा 9/2 और इससे बड़ा क्या है हमारा 8/3। तो ये आपको आसानी से समझ में आया, ये आंसर होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, समझ में आया। और इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, पहले 1/3 सबसे छोटा है, इसके बाद कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है 2/3, वेरी गुड, इससे बड़ा कौन सा है 7/3, तो इनमें कोई प्रॉब्लम, ये हमारा आंसर हुआ असेंडिंग ऑर्डर का। तो ये आपको समझ में आ गया हुआ। आगे चलते हैं हम, अब जो हमारा क्वेश्चन है 8th क्लास का उस पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 9th का, क्वेश्चन नंबर 9th का, क्वेश्चन है ध्यान देना है और देखना कितना इजी है और देखने में टफ कितना लगता है। -3/5, इसके बाद है -2/7, इसके बाद है -5/8, इसके बाद है -1/3, इसके बाद है 3/8, इसके बाद है 1/5 और इसके बाद है 4/18। सबसे पहले तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना इसको प्रॉपर में बनाना है, केवल और केवल इस वाले को, और सबको ऐसे की ऐसे ही लिखे रहने देना है। तो जल्दी से हम बना लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, हम मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बनाना है। तो 3 1 3 और 1 4, 4/3 ये सभी को आता है मुझे पता है, -4/3, हाँ देखो कैसे किया, -1/3, देखिए बेटा इसकी तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 1 3 और इसको ऐड कर देते हैं, 3 और 1 हो गया 4, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसे एज इट इज लिख देते हैं। तो -4/3 ऐसे ही लिखा मैंने ये, हाँ -4/3 ऐसे ही लिखा। देखिए केवल ना इस वाले नंबर की जगह आपको ये लिखना है और इसको भूल जाना है, और इसको भूल जाना है हाँ, क्योंकि तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब आप देखिए 5 है, 7 है, 8 है, 8 है, 5 है, 18 है, 3 है, जो भी डिनोमिनेटर्स है सबका एलसीएम लेना है, सबका एलसीएम लेना है। कौन कौन से हैं, 5 है, 7 है, 8 है, 8 के बाद इसको भूल जाना है, उसके बाद फिर से 8 है, 8 को दोबारा नहीं लिखना है, 5 है, 5 को दोबारा नहीं लिखना है, 18 है, हाँ 18 लिखेंगे, और अब है 3। अब क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, हाँ बेटा 2 से करेंगे, 5 का 5 हो जाएगा, 7 का 7, और देखिए ये हो जाएगा 4 टाइम, और ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम, और ये हो जाएगा हमारा 3, फिर से 2, तो अब कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 7, और ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 3, फिर से हम 2 से, जब तक ऐसे नंबर आए जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो तब तक हमें 2 से ही डिवाइड करते रहना है, तब आगे नंबर पे बढ़ना है। अब 3 से करेंगे, 3 तो 5 7 1, 3 3 9 और 3 1 3, आगे क्या करना है हमको, फिर से 3 से देना है, यस 5 7 1 1 1, अब 5 से देंगे 1 7 1 1 1 1,
अब क्या करेंगे हम, सेवन से फिर से देंगे, वन 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 वन। एलसीएम कब तक करते हैं हम, जब तक वन 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 ना आ जाए सभी का आंसर। यस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। यस, 72 को तो अलग लिख लेंगे और 7 5 जा 35 पीछे से अलग लिख लेंगे। इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई 2520। यस, 2520। अब हमको लिखना है -3/5 को, -3/5 को लिखना है। अब हमें लिखना है 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2520 को। हाँ तो आप कर लेना, 504 आ जाएगा। कितना मिला हमें, ये मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर -512 अपॉन में 2520 मिल जाएगा। आ गई -2/7, 7 से डिवाइड करेंगे 2520 को, 7 से डिवाइड करेंगे 2520 को, कितना मिल जाएगा हमें, 360 मिलेगा। कितना मिलेगा, 360। तो ये आ जाएगा -720 अपॉन में 2520, -5/8। 8 से सॉल्व करना है 2520 को। अगर समझ में आ रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, अगर खुद से नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ वो समझ में आना चाहिए पहले आपको। अब 8 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। यस, अब इससे करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा -1575 अपॉन में 2520। अच्छा, अब देखिए, अब इसको भूलकर इसको लेना था ना, हाँ तो ले लेंगे -4/3, -4/3, 3 से डिवाइड करेंगे 2520 को तो कितना मिल जाएगा हमें, 840। कितना मिल जाएगा, 840 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -3360 अपॉन में 2520। हाँ, आगे लेंगे 3/8, पॉजिटिव है 3/8। हाँ तो देखिए, जो 8 का यहाँ आया था ना, इसी को लिख देंगे सेम 315। हाँ 315, दोबारा से नहीं करना है इसको, 315। ये हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 945 अपॉन में 2520। आगे देखिए 1/5, हाँ जो फर्स्ट नंबर पे 5 से कर रखा है ना 504, इसी से कर देंगे हम, दोबारा नहीं करना है इसको, 504 तो कितना हो जाएगा, 504 अपॉन में ये कितना में हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2520। आगे देखिए 4/18, हाँ तो 18 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 18। देखो बेटा, इसके हम सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं, कितना मिल जाएगा हमें 4/18 का, 2/9, हाँ 2/9 मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जैसे हम 18 से ही करते हैं इसको, वैसे आप कर सकते हो इसको 2/9, और 9 से फिर ये हो जाएगा, इतना ही मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 2520 को कीजिए। हाँ ये कितना हो जाएगा बेटा, 14 4 जा कितना होता है, 56। यस, और ये हो जाएगा 560, 16 चौक 56, 560, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 2520। अब हमारा हो गया, ये हमने पहले ले लिया। हाँ तो अब आप देखिए, सबसे पहले
सबसे पहले हमें क्या जानना है, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना और नेगेटिव, जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना वो हर समय छोटे होते हैं पॉजिटिवों के सामने, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो नेगेटिव नंबर है 1, 2, 3, 4, इन चारों में जाना है। और इन चारों में ये देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, केवल और केवल ऊपर वाले डिजिट को देखिए, इन चारों में ये देखिए कौन सा है सबसे बड़ा, जल्दी देखिए, सबसे बड़ा ये है, इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, ये वाला, इसके बाद कौन सा है, ये वाला नंबर फोर्थ, ये वाला। तो चार नंबर तो हमें मिल गए असेंडिंग ऑर्डर के, ठीक है। आपको पता है ना नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा नंबर होता है, तो चार तो हमने लिख दिए इजीली। इसके बाद अब पॉजिटिव नंबर्स रह गए, ये तीन नंबर रह गए। अब इसमें से आप ये देखिए कि सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, 945, 504 या 560, कौन सा है, हाँ ये है। तो फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगा हमारा, और उसके बाद फिफ्थ नंबर के बाद सिक्स्थ पर ये आएगा और सेवन्थ पर ये नंबर आएगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे जो कि हमने पहले लिख रखी थी। तो देखिए जो हमारा आंसर है वो है -4/3, -4/3 फर्स्ट पर ये था ना, पहले -4/3, उसके बाद है हमारा -5/8, उसके बाद है हमारा -3/5, इसके बाद है हमारा -2/7, इसके बाद है हमारा 1/5, इसके बाद है हमारा 2/9, हाँ मतलब 4/18 को, 4/18 को बेटा यहाँ पे 2/9 लिख दिया है मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में, हाँ इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया था। तो सिक्स पर ये और लास्ट में क्या है ये वाला, तो है ना हमारा क्वेश्चन ठीक। तो समझ में आया आप सभी को, इट्स इनफ फॉर यू, ओके। सिमा का भाई